दीदी, क्या मैं ही इस दुनिया में भगवान को ऐसी बनाने के लिए मिली थी? अरे रीटा बहन, तुम ऐसा मत बोलो, भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। दीदी, लेकिन आपके तो बहुत सारे बाल है, काश कि मेरे भी बहुत सारे बाल होते। अरे कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ तो हल जरूर होगा। एक बार रीटा कहीं जा रही होती है, तभी उसको बहुत सारी भूख लगती है। उसके पास खाने के लिए पिज्जा होता है। उसे इतनी ज्यादा भूख लगी थी कि अब तो उसे कोई मक्खी खाने के लिए मिले तो वो भी खा जाएगी। रीटा उस पिज्जे को जैसे उठाती है, तभी वहाँ पर एक बहुत सुंदर लंबे बालों वाली एक लड़की आती है और बोलती है, अरे मुझे बहुत भूख लगी है, काश कि आप मुझे ये कुछ खाने के लिए दे दीजिए। रीटा बोलती है, लेकिन मुझे भी भूख लगी है, मैं 3 दिनों से भूखी हूँ। चलो कोई बात नहीं, मुझे तो अभी भूख लगी है, ये बेचारी 3 दिनों से भूखी है। चलो तुम ये मेरा पिज्जा ले लो। थैंक यू। वो लड़की पिज्जा खाती है और वहां से निकल जाती है। रीटा को पता चलता है कि वो उसके गांव में रहती थी, वो अभी नई शिफ्ट हुई थी इसीलिए उसे अभी पता लगा था, तो इसीलिए वे मैं उसके पास जाती है। अरे तुम तो वही हो, तुम्हें बहुत भूख लगी थी ना, अगर तुम्हें भूख लगे ना तुम मेरे घर आ जाया करो। हाँ ठीक है। सोनाली की भी उसके साथ बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। रीटा उससे उसका नाम पूछती है, अरे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मीठी है। ओ मीठी, मैं रीटा हूँ और ये मेरी बहन सोनाली है। मीठी अब उनके घर रोज आती और वह खूब मजे करते। जब भी मीठी को पैसों की जरूरत होती तो रीटा अपना कुछ ना कुछ बेचकर उसे पैसे दे देती। सोनाली का स्वभाव भी मीठी के लिए बहुत अच्छा था। एक दिन मीठी बहुत खुश होती है और बोलती है, अचानक मीठी हवा में उड़ने लगती है, जिसे देखकर रीटा और सोनाली बहुत हैरान हो जाते हैं। वो बोलते हैं, अरे तुम हवा में कैसे उड़ रही हो, क्या तुम कोई जादूगर हो? नहीं बच्चों। बच्चों? अरे तुम पुलिस की बात तो सुन लो। बच्चों, मैं मीठी नहीं हूँ, मैं एक परी हूँ और मैं बहुत खुश हुई हूँ तुम्हारी सेवा से। रीटा, मुझे तुम्हारे जैसा दोस्त कभी नहीं देखने को मिला इस दुनिया में, और आज मैं तुमसे बहुत खुश हूँ और मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम बहुत सुंदर और सुशील बन जाओ। अपनी आंखें बंद करो। हाँ। क्या ये मैं हूँ? अरे अरे रीटा, तुम तो बहुत सुंदर हो गई हो, मुझे बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू परी। हाँ इसीलिए तो मेरा नाम है बालोबारी परी। थैंक यू मैं कहने के लिए, कोई बात नहीं। ठीक है, अब मैं जा रही हूँ, अपना ध्यान रखना बच्चों।